वेलकम टू सीमा माधव ब्लॉग। यार ये मेरा डे 7 यहीं पे ख़त्म होते हुए और आज मैं वापस जा रही हूँ। तो मेरा डे 7 ख़त्म हो गया फाइनली और मेरा ब्लॉगिंग भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और हम अपना भाई को दही लाने बोल रहे हैं, ला नहीं दे रहा। हमको पूरी दही बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। हम ऑलरेडी मैगी खा चुके हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ पर मैगी नहीं मिलता है। और नमिता दी और खुशी, तुम लोग खुद पे गर्व करो और मुझ पे प्राउड कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से आप लोगों के लिए रोटी और भुंजिया बनाया है। मेरी जैसी कोरिया लड़की आप लोगों के लिए अपने इन्हीं हाथों से बना दे रही है, तो आप लोगों को ज़रूर इस बात पे गर्व करना चाहिए। लेकिन फिर भी पता है गाइस, मेरे रूम में मेरा कोई कदर नहीं है। पता नहीं वो लोग अपने आप को क्या ही समझती है। मैं ही प्यार छलकाते रहती हूँ उन लोग पे, बट जो है जैसी है मेरी ही रूममेट है। गाइस मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, 2 बैग है अभी। और अभी सुजीत को बुलाया है, वो आ रहा है हमको छोड़ने के लिए, स्टेशन जाएगा। तो थैंक यू सुजीत, बोलते हैं सुन लेता है बेचारा, अच्छा लड़का है। और इधर है मेरा नुबड़ा भाई, नुबड़ा भाई अपना फेस छुपाते हुए, वो अच्छा से छुप गया, वो दिखेगा नहीं। गाइस जब मेरा भाई दूर रहता है तो मुझे बहुत प्यार आता है उस पर, एक लौता भाई है मेरा। लेकिन जब वो सामने आता है तो उसे देख के मुझे उसी यूज़लेस डस्टबिन की याद आती है जिस डस्टबिन का भी कोई यूज़ नहीं है। हाय हाय हट हट कर रहा है मेरा भाई। हाइट भगवान लंबा दे दिया, उम्र से मेरा से छोटा ही है समझा, नज़रें नीचे रख के बात करो, बड़े हैं हम। ठीक है गाइस, आपको अगर वीडियो इससे लंबा हम वीडियो नहीं बना सकते तो सबसे छोटा ब्लॉग है, लेकिन जो है आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ना भी करें तो चलेगा मुझे कि आप तो ये मैं जा रही हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करें मेरी दीदी के चैनल को। ठीक है गाइस, बाय बाय, चाचा, सी यू।